हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा डार्लिंग मूवी का कहानी शॉर्टकट में बताने के लिए कोशिश करूंगा। दोस्तों, डार्लिंग मूवी एक ऐसा मूवी है, मूवी का जो कहानी है मतलब न्यू और अलग सा कुछ देखने के लिए कोशिश किया है मतलब इस मूवी के अंदर में। तो दोस्तों, डार्लिंग मूवी का शुरुआत होते हैं यानी हमजा के साथ पेयर होते हैं। पेयर होने के बाद एक नौकरी लग जाता है हमजा का रेलवे में और उसके साथ शादी होते हैं 3 साल बाद, यानी वहाँ पर 3 साल बाद देखाते हैं हमजा और बहुत ही प्यार करते 3 साल में। और धीरे 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 आलिया भट्ट के ऊपर में टॉर्चर करना स्टार्ट कर दे। दारू बहुत पीते हैं हमजा, यानी उसका आलिया भट्ट के बहुत ही दारू पिया करते थे और उसके ऊपर बहुत ही टॉर्चर करना स्टार्ट करते थे। दोस्तों, इसी तरह टॉर्चर करते 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 लेकिन आलिया भट्ट का जो मामी रहता है वो बहुत ही आलिया भट्ट को समझाता है कि उसको छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, लेकिन छोड़ता नहीं। आलिया भट्ट चाहते हैं कि उसका पोती बहुत ही अच्छा मतलब ये रहे, मतलब ठीक हो जाए, दारू पीना छोड़ दे, उससे अच्छा बिहेव करे और मतलब ठीक से रहे। लेकिन हमजा ने जब दारू नहीं पीते तो उस टाइम ठीक मतलब इसे ये करते हैं, जब दारू पीते तो उल्टा सीधे टॉर्चर करने लग जाता है। दोस्तों, तो इसी तरह फिर भी एक दिन क्या होता है हमजा का ओवर में ये कर देता है यानी केस फाइल करने के लिए, वो नहीं करते हमजा और भी एक उसका एक गांव में एक लड़का रहता है उसका मोहल्ला में, वो लड़का मतलब कंप्लेन कर देते हैं और वो लड़का का उसका आलिया भट्ट की मम्मी से थोड़ा थोड़ा मतलब नहीं रहता है, एक तरफा प्यार रहता है, मतलब बुड्ढी से प्यार रहता है वो लड़का का। जो भी है वो उसका हमजा के बारे में कंप्लेन कर देता है और कंप्लेन करने के बाद दोस्तों क्या होता है और दोनों को बुला के लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन में और वहाँ जाके बातचीत होते रहते हैं। तो उस दिन फिर हमजा ने बोलता है ठीक है, मैं और ऐसा टॉर्चर नहीं करूँगा, ये करूँगा, वो नहीं करूँगा, अच्छा अच्छा बन जाएंगे। फिर 2 महीने अच्छा चलते हैं। अच्छा चलने के बाद फिर क्या होता है दोस्तों कि 2 महीने के बाद उसका प्रेगनेंट मतलब आलिया भट्ट प्रेगनेंट हो जाता है। प्रेगनेंट होने के बाद इस तरह करके रहते हैं और कुछ दिन के अंदर में कुछ और थोड़ा दारू पी के फिर ये कर देता है कि उसके साथ फिर प्रॉब्लम स्टार्ट कर देते हैं। और इस तरह करके फिर उसके बारे में कौन मतलब कंप्लेंट किया था उसका दिमाग में रह जाता है हमेशा हमजा के बारे में। तो जैसे ऐसे होते हैं तो इस तरह का होने के बाद फिर से हादसा होता है, कुछ और भी है रहने के बाद हादसा होता है। फिर से आलिया भट्ट को उस टाइम प्रेगनेंट ही रहता है, आलिया भट्ट को सीढ़ी से धक्का मार के फेंक देते हैं और बहुत ही टॉर्चर करते रहते हैं। इस तरह करने के बाद फिर आलिया भट्ट को मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद देखते हैं कि उसका बच्चा को प्रॉब्लम हो गया यानी उसका बच्चा मतलब मर गए होंगे ऐसा उसको मतलब डॉक्टर ने बताते हैं। तो फिर आलिया भट्ट को मतलब अपना लाइफ को मतलब खुदकुशी करने के लिए सोचता है, लेकिन करते वक्त फिर उसका दिमाग में क्या आ जाता है, वो रिटर्न आ जाते हैं। आने के बाद फिर उसका हाल चाल ढंग पूरा अलग हो जाता है। फिर घर पे आने के बाद उसका पति को नींद का गोली खिला के इसको फिर उसका ऊपर में टॉर्चर स्टार्ट कर देते हैं आलिया भट्ट ने खुद उसका मामी मिल के और एक लड़का रहता है जिसका मतलब उसके मामी से एफ आई आर रहता है थोड़ा थोड़ा। तो वो दोनों मिल के इसको बहुत ही टॉर्चर मतलब 3 आदमी मिल के इसको बहुत ही टॉर्चर करता है। मतलब आलिया भट्ट की मम्मी तो हमेशा कहता है कि इसको मार दो, उसको मार दो, लेकिन आलिया भट्ट मारता नहीं, सिर्फ टॉर्चर करते रहते हैं उसको मतलब उल्टा, जैसे जितने जैसे जैसे आलिया भट्ट को टॉर्चर करते हैं ऐसे ऐसे टॉर्चर फिर आलिया भट्ट उसको ओवर में हमजा के ओवर में करते रहते हैं। दोस्तों, तो इस तरह करके इस मूवी को बनाया गया है, काफ़ी यूनिक मतलब अच्छा खासा दिखाया गया है कि पति पत्नी से कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या नहीं, मतलब किस तरह से फैमिली खुश रहे। लेकिन यहाँ पर मतलब जो भी दिखाया गया अच्छा दिखाया गया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा पता नहीं। तो हमेशा न्यू मूवीज़ के बारे में बात करते रहते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना और क्या बताओ दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।